नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डेली वैकेंसी न्यूज चैनल में। दोस्तों आज हम फिर से एक नए भर्ती विज्ञापन के साथ उपस्थित है। दोस्तों जैसा कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा है, आज का जो यह विज्ञापन है कार्यालय अध्यक्ष कलेक्टर उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति नवागढ़ बेरला देवकर और बेमेतरा जिला द्वारा यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पे आज स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत जो है यहाँ पे नवागढ़ बेरला देवकर बेमेतरा द्वारा यहाँ पे संचालित जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है वहाँ पे नवागढ़ विकासखंड नवागढ़ स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेरला विकासखंड बेरला स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम यहाँ पे देवकर विकासखंड यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पे दोस्तों अलग अलग जो निम्नानुसार अस्थायी रूप से यहाँ पे संविदा शिक्षकों के यहाँ पे नियुक्ति हेतु जो है योग्यता आधारित आवेदकों से स्पीड पोस्ट और या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से जो है यहाँ पे आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है दोस्तों, जिसके लिए जो है आप स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन जो है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा में दिनांक जो है 5 अप्रैल से जो है 18 अप्रैल शाम 5 बजे तक जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापित जो पद है उसका विवरण हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में शो हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि हमने संस्था का नाम तो बता ही दिया है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी महाविद्यालय। इसमें पद का नाम एवं माध्यम हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे व्याख्या अंग्रेजी के लिए दिया गया है, माध्यम आप अंग्रेजी में होना चाहिए। पदों की संख्या यहाँ पे 1 पद है। आरक्षण में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे निकाला गया है। संविदीय नियुक्ति का जो यहाँ पे वेतन आपको दिया जाएगा 38,100 रुपये तक का आपको वेतन दिया जाएगा दोस्तों। और अभ्यर्थियों के लिए जो है शिक्षा का माध्यम आप अंग्रेजी माध्यम से आप अगर पढ़े हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। न्यूनतम योग्यता यहाँ पे बोला गया है कि जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ जो है बीएड का प्रशिक्षण अनिवार्य बताया गया है। और उसी प्रकार हम व्याख्याता वाणिज्य के लिए देखें तो इसके लिए भी अंग्रेजी माध्यम दिया गया है, पृष्ठ संख्या 1 है। अनुसूचित जनजाति के लिए इसके लिए भी वेतन उसी प्रकार से है, अंग्रेजी माध्यम में आपका 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। इसमें भी बीएड प्रशिक्षण तथा स्नातकोत्तर उपाधि यहाँ पे मांगा गया है, उसी प्रकार से गणित के लिए भी दिया गया है दोस्तों। और हम नेक्स्ट बात करें सहायक शिक्षक कला समूह के लिए तो इसमें भी उसी प्रकार से माध्यम और कास्ट तथा पेमेंट इसमें जो है आपको 25,300 रुपये दिया जाएगा। योग्यता है इसमें हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं डीएड का प्रशिक्षण यहाँ पे होना अनिवार्य है। उसी प्रकार यहाँ पे सहायक शिक्षक विज्ञान समूह के लिए बोला गया है, इसमें जो है योग्यता और जो है वेतनमान सभी एक समान है, जैसा कि हमने पहले बता दिया है बाकी विषयों के लिए सेम उसी प्रकार से इसमें भी रखा गया है दोस्तों। और हम नेक्स्ट देखें बेरला के लिए तो यहाँ पे जो है व्याख्याता भौतिकी और गणित तथा यहाँ पे प्रधान पाठक और कंप्यूटर शिक्षक सहायक शिक्षक कला सहायक शिक्षक और विज्ञान विषय के लिए जो है यहाँ पे 1-1 पद यहाँ पे निकाला गया है। माध्यम यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। केवल जो है यहाँ पे व्याख्याता गणित के लिए जो है यहाँ पे हिंदी माध्यम मांगा गया है दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा है। और ये सब अनारक्षित पदों के लिए है। और वेतन की बात करें तो जो है इसमें भौतिक शास्त्र वाले के लिए 38,100 रुपये से यहाँ पे स्टार्ट है वेतनमान, और सहायक शिक्षकों के लिए जो है 25,300 रुपये आपको दिया जाएगा दोस्तों। इसके लिए योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि बीएड प्रशिक्षण मांगा गया है। और प्रधान पाठक के लिए जो है यहाँ पे पूर्व माध्यमिक शाला के लिए जो है ये, और इसमें योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है इसमें भी स्नातकोत्तर और बीएड प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। और कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है कंप्यूटर साइंस में बीएससी यहाँ पे बीटेक जो है यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों। और सहायक शिक्षकों के लिए यहाँ पे हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण और डीएड का प्रशिक्षण होना आवश्यक है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हम देवकर के लिए देखें तो यहाँ पे वाणिज्यिक व्याख्याता के लिए जो है यहाँ पे पद निकला है, और इसमें जो है योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से है इसमें भी स्नातकोत्तर और बीएड का यहाँ पे योग्यता मांगा गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों वेतन मान तो लगभग एक ही है 38,100 रुपये, उस प्रकार से आप देख सकते हैं। और हम अगला बात करें ग्रंथपाल के लिए तो यहाँ पे जो है अनारक्षित के लिए यहाँ पे आपको वेतन जो है 22,400 रुपये दिया जाएगा। योग्यता यहाँ पे बीएल यहाँ पे मांगा गया है, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार बेमेतरा के लिए हम देखें तो अंग्रेजी शिक्षक के लिए यहाँ पे और सहायक शिक्षक कला विज्ञान सहायक शिक्षक और कला सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक के लिए जो है 1-1 पद यहाँ पे निकला है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो है योग्यता विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि और बीएड प्रशिक्षण तथा यहाँ पे सहायक शिक्षकों के लिए जो है हायर सेकेंडरी और डीएड प्रशिक्षण मांगा गया है। उसी प्रकार से प्रयोगशाला सहायक के लिए जो है विज्ञान और गणित समूह के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और आप देख सकते हैं पदों की संख्या लगभग सभी में 1-1 पद निकाला गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में शो हो रहा है। चयन प्रक्रिया के संबंध में आप दिशा निर्देश यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पीडीएफ का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तथा हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। आप अधिक जानकारी के लिए जो है वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं आपके स्क्रीन में जैसा कि शो हो रहा है, bemetra.gov.in पर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगा। संविदा नियुक्ति हेतु जो है आप यहाँ पे आवेदन का प्रारूप आप देख सकते हैं दोस्तों।
यहाँ पे इसको अच्छे से बिना किसी गलती के आपको फिलअप करना होगा, और डाक के माध्यम से आपको दिए गए जो एड्रेस है वहाँ पे इसको सेंड कर देना होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इन सभी का डाउनलोड लिंक जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगा। तो यही था दोस्तों आज के लिए, मिलते हैं इसी प्रकार से एक नए वीडियो में भर्ती संबंधित विज्ञापन लेकर। धन्यवाद दोस्तों।